Hello students, in the last video we have started with the Fourier transform and we have studied the basic formula for Fourier transform and we have studied some conclusion related to Fourier transform. Also we have studied one very important property that is called duality property of Fourier transform. Now in this video I will start with the types of Fourier transform. So basically हम यहाँ पर start करेंगे types of Fourier transform से. तो आपके three types के Fourier transform होते हैं. First होता है well defined Fourier transform. तो अगर आपका signal xt जो है जिसके लिए आप Fourier transform निकालना चाह रहे हैं, अगर signal xt आपका absolutely integrable है, तो if signal xt is absolutely integrable then Fourier transform of xt is well defined. Clear है point अच्छे से. तो इसके example मैं आपको दे देता हूँ. जैसे कि आप example देखिए, हमने last video में एक signal लिया था e की power minus at ut. अगर आप इस signal को देखें तो t tends to infinity and t tends to minus infinity पर दोनों ही केस में xt जो है आपका वो आ रहा है 0. आप देख सकते हैं e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 और ut से मल्टीप्लाइड है तो t की वैल्यू माइनस इनफिनिटी पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नेगेटिव साइड ऑलवेज 0 ही होगा. तो आपका जो सिग्नल है xt वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है और हमने लास्ट वीडियो में यही देखा था कि इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो हमने बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया था 1 अपॉन a प्लस j 2 पाई f. तो जो भी सिग्नल आपके एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके वेल डिफाइंड होंगे. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. अब इस वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं आपको एक और लाइन बताऊंगा, एक और कंक्लूजन दूंगा, उसके अलावा आपको सेकंड फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बताऊंगा. लेकिन आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है आगे के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. ध्यान से देखिए, सपोज करिए मैं यहां पर सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूं, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में एक ट्रिक के थ्रू हमने निकाला था. अगर आपको याद हो पिछली वीडियो तो हम लोगों ने a टेंड्स टू 0 पुट किया था एक क्वेश्चन में और हम लोगों ने सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था 1 अपॉन j पाई f. तो यहां पर मैं फिर से निकालूंगा लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले का यूज करके, जो कि हमारा होता है xt e की पावर माइनस j 2 पाई f t dt. ठीक है ना, ये हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं यहां पर. तो अगर आप देखें, हमें पता है, हम पहली वीडियो से पढ़ रहे हैं कि जो सिग्नम t है वो नेगेटिव साइड में क्या होता है माइनस 1, पॉजिटिव साइड में क्या होता है प्लस 1. तो माइनस इनफिनिट से 0 तक वैल्यू क्या होगी माइनस 1 एक्स टी की वैल्यू. तो आप बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दीजिए. देन 0 से इनफिनिट तक क्या होगा प्लस 1, तो 1 इंटू ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी. तो यहां पर अगर मैं अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं तो ये पहला इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डिवाइडेड बाय माइनस जे 2 पाई एफ. ऑलरेडी एक माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं जे 2 पाई एफ. लिमिट क्या है माइनस इनफिनिट से 0 प्लस. आगे देखिए, अब अगेन e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी का e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डिवाइडेड बाय माइनस जे 2 पाई एफ. लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी. तो अब अगर मैं यहां पर लिमिट पुट करता हूं तो देखिए अपर लिमिट 0 है तो 1 हो जाएगा e की पावर 0 1. देन लोअर लिमिट है माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस होगा. e की पावर इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी होता है. तो अगर कोई भी एक टर्म इंफिनिटी आ जाए तो पूरा का पूरा समेशन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर आपके टोटल 4 टर्म्स ऐड होने वाले हैं ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो टोटल जो समेशन है, टोटल जो सम है वो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि कोई एक टर्म आपका इंफिनिटी हो गया. लेकिन फिर से वही बात है, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है कि सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो 1 अपॉन जे पाई एफ होता है,
लेकिन यहां पर इंफिनिटी आ रहा है इंटीग्रेशन से सॉल्व करने पर, जो कि बेसिक फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन को भी इंटीग्रेशन से ही सॉल्व किया था, बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म के, और हमारा ये आंसर आया था। तो क्या कंक्लूजन है फिर, आने वाले कंसेप्ट क्या है हमारे इस एग्जाम्पल का यूज करते हुए? वो ये है कि जब भी आपका वेल डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब जब भी आपका एक्सटी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, तब आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला यूज करने में, आंसर आपका सेम आएगा, करेक्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो है आपका लिमिटेड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, जब भी आपका सिग्नल एक्सटी बाउंडेड होगा, तब आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाओगे आप इस सिग्नल एक्सटी के लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आप कैलकुलेट करोगे इस सिग्नल एक्सटी के लिए, वो हमेशा होगा आपका लिमिटेड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बाउंडेड मीन्स एक्सटी जो है आपका फाइनाइट होना चाहिए फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी और बोथ, दोनों ही केस में एक्सटी क्या होना चाहिए, फाइनाइट। मतलब टी टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी या दोनों में कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए एक्सटी, तो वो कहलाता है बाउंडेड। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ना बाउंडेड सिग्नल को, तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो है आपका सिग्नम टी, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी, जो कि आपका आया था 1/j π f। तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जब हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो आया इंफिनिटी। दैट मीन्स लिमिटेड डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप बेसिक फॉर्मूले से, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, क्लियर है अच्छे से पॉइंट? तो इसी कारण मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ थर्ड जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका, वो होता है अनडिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसकी क्या मीनिंग होती है, दैट मीन्स एक्सटी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला जा सकता है। और ये कब होता है, जब लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी और टी टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और टी टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, किसी पर भी अगर जो एक्सटी है आपका वो इन्फिनाइट है, मतलब एक्सटी जो है आपका अनबाउंडेड है, तब आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म अनडिफाइंड होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज करिए एक्सटी दिया हुआ है आपको रैम सिग्नल टी, हमें पता है कि रैम सिग्नल जो होता है वो टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या होता है, इंफिनिटी। तो रैम सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट है कि रैम सिग्नल के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अनडिफाइंड फॉर रैम सिग्नल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वेल डिफाइंड, अनडिफाइंड एंड लिमिटेड डिफाइंड। इससे आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा, मैंने आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताई है कि आपको कब बेसिक फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, कब आपको बेसिक फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं करना है, और कब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो सिग्नल बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, इस पर डिपेंड करेगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन। ओके, तो ये वीडियो यहां पर मैं फिनिश कर रहा हूं आपके लिए टाइप्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।